हेलो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे आज इसमें क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो टूज टू वन विद कैपिटल ऑफ फिफ्टी थाउजेंड एंड थर्टी थाउजेंड शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ये कुछ केसेस दिए गए यहाँ पर फर्स्ट है इफ द पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर नाइन थाउजेंड सेकेंड है इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिक्स परसेंट पर एन एम एंड द लॉसिस फ़ॉर द ईयर सिक्स थाउजेंड थर्ड केस है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिक्स परसेंट पर एन एम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर नाइन थाउजेंड इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिक्स परसेंट एंड द प्रॉफ़िट फॉर द ईयर थ्री थाउजेंड फिफ्थ केस इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिक्स परसेंट पर एन एम इवन इफ इट इन्वाल्व द फार्म इन लॉस एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर थ्री थाउजेंड का आंसर करते हैं सॉल्यूशन करते हैं थर्टी फाइव का सबसे पहले आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो प्रॉफिट दिया है वो प्रॉफिट दिया नाइन थाउजेंड उस प्रॉफ़िट को आप राइट साइड लिखोगे बाय प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट नौ हज़ार रुपये यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा जाएगा वो इसलिए नहीं आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है यानी कि कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है और जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा जाता तो इसलिए क्या करेंगे आप जो ये नाइन थाउजेंड है इसी को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा टू इस टू वन के रेशों में जो हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया गया है नेक्स्ट आता है सेकंड केस सेकंड केस में आप क्या करेंगे सेकंड केस में हमें लॉस दिया है आपको क्वेश्चन में लॉस दे रखा है सेकंड पॉइंट में और वो है सिक्स थाउजेंड लॉस तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा क्योंकि लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आता इसलिए इस लॉस को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स में यानी कि एक्स और वाई में और जब हम सिक्स थाउजेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टूज टू वन में तो वो आते हैं फोर थाउजेंड और टू थाउजेंड दूसरी बात यहाँ पर हम ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट नहीं बनाया जाएगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट लॉस के केस में नहीं होता है और थर्ड केस में लिखा हुआ है आपका इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिक्स परसेंट पर एनम एंड द प्रोफिट फॉर द ईयर नाइन थाउजेंड यहाँ पर बच्चों जो प्रोफिट आपको दिया है वो नाइन थाउजेंड दिया है तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किस तरीके से आएगा एक्स कैपिटल में और वाई कैपिटल में जो आप देख रहे हैं थ्री थाउजेंड और एटीन हंड्रेड यहाँ ध्यान देंगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है पचास हज़ार कैपिटल है एक्स के लिए और उसका सिक्स परसेंट है तो फिफ्टी थाउजेंड का सिक्स परसेंट होता है थ्री थाउजेंट उसके बाद जो वाई की कैपिटल है वो थर्टी थाउजेंड है और उसका परसेंटेज दिया सिक्स परसेंट एटीन हंड्रेड आता है तो ये थ्री थाउजेंड और एटीन हंड्रेड इस तरीके से यहाँ पर आ गया इसके बाद क्या करना है ये नाइन थाउजेंड है इसमें से फोर्टी एट हंड्रेड को माइनस किया जाएगा फोर्टी टू हंड्रेड आते हैं और ये फोर्टी टू हंड्रेड को एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा टू टू वन के रेशो में तो जब फोर्टी टू हंड्रेड को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ट्वेंटी एट हंड्रेड और फोटीन हंड्रेड आएगा नेक्स्ट आता है फोर्थ केस फोर्थ केस में लिखा हुआ है इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिक्स परसेंट पर एन एम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर थ्री थाउजेंड अब यहाँ पर क्या है बच्चों जो प्रॉफिट दिया है वो तीन हज़ार दिया है और जबकि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आता है फिफ्टी थाउजेंड का वो सिक्स परसेंट तीन हज़ार और वाई के लिए थर्टी थाउजेंड का सिक्स परसेंट एटीन हंड्रेड कि आता है फोर्टी एट हंड्रेड ये फोर्टी एट हंड्रेड हमारा जो प्रॉफिट है तीन हज़ार उससे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट तीन हज़ार है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल फोर्टी एट हंड्रेड है तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे कम है इसलिए इस प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स में किस रेशो में ये जो आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीन हज़ार और, और वाई का अठारह सौ रुपये इसका रेशो आता है फाइव इस टू थ्री तो इस तीन हज़ार को इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा यानी कि तीन हज़ार का फाइव अपॉन एट एटीन सेवेंटी फाइव और थ्री थाउजेंड का थ्री अपॉइंट एट वन वन टू फाइव इसे आप यहाँ शो करेंगे तो ये आपका केस फोर्थ कंप्लीट होता है आपका फिफ्थ केस और फिफ्थ केस में लिखा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिक्स परसेंट इवन इफ इट इन्वॉल्व द फार्मिन लॉस एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर तीन हजार तो यहाँ पर बच्चों जो प्रॉफिट दिया है वो तीन हज़ार दिया है लेकिन यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट लिखना होगा यानी कि एक्स की कैपिटल जो फिफ्टी थाउजेंड है उसका सिक्स परसेंट तीन हज़ार रुपये और वाई की कैपिटल जो तीस हज़ार है उसका सिक्स परसेंट अट्ठारह सौ रुपये तो कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाएगा क्योंकि इसने कह रखा है यहाँ पर बोला हुआ है क्वेश्चन में कि इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस चाहे फर्म लॉस में ही क्यों न हो तो इसलिए ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये कंप्लीट आएगा अब टोटल करेंगे ये साइड ज्यादा है ये माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर लॉस आ जाता है और लॉस आता है एटीन हंड्रेड उस एटीन हंड्रेड को टू एस टू वन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो टू एस टू वन में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्स के लिए ट्वेल्व हंड्रेड और वाई के लिए सिक्स हंड्रेड तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है थर्टी एट और ये क्वेश्चन थर्टी एट सी बी एस ई में आया हुआ क्वेश्चन है ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर यहाँ लिखा है ऑन फर्स्ट अप्रैल 2013, Bridge and Nandan enter into partnership to construct toilet in government girls' school in the remote area of Uttarakhand. They contribute capital of 10 lakh and 15 lakh. Their profit sharing ratio was 2 to 3. The interest allowed on capital as provided in the partnership deed was 12% per annum. During the year ended 31st-14, the firm earned profit 2 lakh. Prepare profit and loss appropriation account of Bridge and Nandan for the year ended 31st-314. सॉल्यूशन इसका आंसर लिखेंगे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस है अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन यहाँ पर स्टूडेंट्स जो प्रॉफिट दिया है वो टू लैख ,00 दिया है क्वेश्चन में जो आपको सबसे लास्ट में लिखा हुआ है टू लैख ,00 का प्रॉफिट है लेकिन यहाँ पर जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो ब्रिज की कैपिटल टेन लैख है और टेन लैख ,00 का ट्वेल्व आता है वन ,00 नंदन का आता है फिफ्टीन लैख ,00 का ट्वेल्व वन लैख एट्टी थाउजेंड यानि टोटल हो जाता है थ्री लेख जबकि हमारा जो प्रॉफिट है वो टू लैख है हमारा प्रॉफिट यहाँ पर कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इसलिए जो प्रॉफिट दिया है इसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ब्रिज और नंदन में किस रेसो में किया जाएगा वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड वन लैख एट्टी थाउजेंड और इसका रेसो आता है टू इस टू टु थ्री इसी में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ब्रिज के लिए टू लैख का टू अपॉन फाइव एट्टी थाउजेंड नंदन के लिए टू लैख ,00 का थ्री अपॉइंट फाइव वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड तो ये आपका आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसको आप लिखेंगे लेफ्ट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रज के लिए एट्टी थाउजेंड है नंदन के लिए वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड है दोनों का टोटल है टू लैख ,00 तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्टी एट वन इस मेथड का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहाँ लिखा है ऑन फर्स्ट अप्रैल एटीन XYZ start a business in partnership. X contribute 90,000 at first but withdraw 30,000 at the end of six months. Y introduce 75,000 at first and increase it to 90,000 at the end of four months but withdraw 30,000 at the end of eight month. Z bring 75,000 at first but increase it by 60,000 at the end of seven months. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन दे मेक ए नेट प्रॉफिट फोर्टी टू थाउजेंड सो हाउ द पार्टनर शुड डिवाइड दिस अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर करते हैं फोर्टी वन का आंसर तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है ये पॉइंट किस तरीके से आए हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स का जो लिखा हुआ है कि एक्स कॉन्ट्रीब्यूट नाइन्टी थाउजेंड एंड फर्स्ट यानी कि नाइनटी थाउजेंड एंड इन्वेस्ट किया बट विड्रो थर्टी थाउजेंड एट द एंड ऑफ सिक्स मंथ यानी कि सिक्स मंथ तक उसने नाइन्टी थाउजेंड ही इन्वेस्ट किए तो ये हो जाते हैं फाइव लैख फोर्टी थाउजेंड उसके बाद उसने थर्टी थाउजेंड किए तो रह जाता है सिक्सटी थाउजेंड और सिक्स मंथ तक क्योंकि मंथ होते हैं टोटल ट्वेल्व तो सिक्स मंथ रह जाते हैं तो यह आता है थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड यानी कि नाइन लैख रुपीज वाई के केस में ध्यान देंगे इसमें कि वाई इंट्रोड्यूस करता है 75,000 फाइव थाउजेंड एट फर्स्ट एंड इंक्रीज इट टू नाइन्टी थाउजेंड एट द एंड ऑफ फोर मंथ तो फोर मंथ तक उसके सेवेंटी फाइव थाउजेंड रहेंगे पर मंथ उसके बाद उसने नाइन्टी थाउजेंड उसके हो गए यानी कि पंद्रह हजार रुपये उसने और इन्वेस्ट किया है जो बैठता है नाइन्टी थाउजेंड तो नाइन्टी थाउजेंड इंटू फोर क्योंकि उसने विड्रॉ किया है थर्टी थाउजेंड एट द एंड ऑफ एट मंथ तो 90,000 में से 30,000 माइनस करेंगे 60,000 बचता है और वो फोर मंथ के लिए आएगा क्योंकि एट द एंड ऑफ एट मंथ है तो एट मंथ के बाद बचते हैं फोर मंथ तो 60,000 थाउजेंड इंटू फोर यानी कि टू लैख फोर्टी थाउजेंड अब इन तीनों का टोटल होता है नाइन लैख जेड के केस में लिखा है कि जेड ब्रिंग सेवेंटी फाइव थाउजेंड एट फर्स्ट बट इंक्रीज इट बाय सिक्सटी थाउजेंड एट द एंड ऑफ सेवन मंथ यानी कि सेवन मंथ में तक उसका सेवेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ रहेगा जो आता है फाइव लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड उसके बाद उसने इंक्रीज़ किया साठ हज़ार से क्योंकि लिखा है इंक्रीज इट बाय सिक्सटी थाउजेंड यानी कि पचहत्तर हज़ार प्लस सिक्सटी थाउजेंड यानी कि वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड और ये फाइव मंथ तक रहेंगे क्योंकि सेवन मंथ के एंड में इन्वेस्ट किया है तो फाइव से मल्टीप्लाई किया सिक्स लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड दोनों का टोटल होता है ट्वेल्व लैख उसके बाद आप इसका रेशो कर लेंगे नाइन लैख नाइन लैख एंड ट्वेल्व लैख जिसका रेशो आता है थ्री थ्री फोर तो ये आपका यहाँ पे अभी रेशो आया है स्टूडेंट्स वो आपको दिया है फोर्टी टू थाउजेंड का जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्री थ्री फोर में यानी कि एक्स के लिए थ्री थ्री फोर में जब करना है तो फोर्टी टू थाउजेंड मल्टीप्लाई थ्री अपॉन टेन क्योंकि टोटल होता है थ्री थ्री फोर यानी टेन फोर्टी टू थाउजेंड थ्री अपॉन टेन फोर्टी टू थाउजेंड फोर अपॉन टेन ये आपके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए एक्स कैपिटल वाई कैपिटल और जेड कैपिटल में तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है फोर्टी वन